जी अनन, में आपका स्वागत है। आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि हर्ष भैया की सच्चाई अब क्यों दिखाई जा रही है। पहले तो आपको बता दें, जीएनएन पर जब भी लाइव किया जाता है तो हर्ष भैया के चेले कमेंट कर लिखते हैं कि ओमपाल तुम्हारे लिए हर्ष भैया भोग दे रहे हैं। कभी कहते हैं उसका भोग दे रहे हैं, तो कहते हैं कभी इसका भोग दे रहे हैं। आपको बता दें, जब शनि धाम पर हर्ष भैया को उनके परिवार वाले लेकर आए थे, तब हर्ष भैया नहीं थे, कुछ और थे। हर्ष भैया के ऊपर ऊपरी बाधाओं का अंबार था। जब परम पूज्य मनु भैया जी के चरणों में हर्ष भैया का पूरा परिवार नतमस्तक हो रहा था, न जाने कितने प्रेत हर्ष भैया पर थे जो उसकी पूरी जिंदगी को धूमिल कर रहे थे। परम पूज्य मनु भैया जी हर्ष भैया के ऊपर जो प्रेत थे, उन्हें निकालने में इतने व्यस्त हो गए कि अपने सारे काम भूलकर सेवा में जुट गए। जब देखा हर्ष भैया का रोग जल्द खत्म होने वाला नहीं है, तब परम पूज्य मनु भैया जी ने हर्ष भैया को जप तप और दृष्टि खोलने का निर्णय लिया, ताकि हर्ष भैया और उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। और धीरे धीरे हर्ष भैया पुष्टि करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप परम पूज्य मनु भैया जी ने हर्ष भैया को और उसके परिवार को भरपूर आर्थिक मदद की। हर्ष भैया का इलाज भी करते रहे। फिर दिन प्रतिदिन हर्ष भैया माहौल खराब करने लगे और आने वाले शनि भक्तों पर हाथ उठाने लगे, जिस पर परम पूज्य मनु भैया जी ने आपत्ति जताई, लेकिन हर्ष भैया बाज नहीं आए। फिर एक दिन हर्ष भैया ने एक गर्भवती महिला के पेट में लात मारी, जिस पर परम पूज्य मनु भैया जी ने हर्ष भैया को बहुत डांटा। उसके बाद हर्ष भैया का पूरा परिवार माफी मांगने लगा, लेकिन परम पूज्य मनु भैया जी ने निर्णय लिया कि हर्ष भैया को शनि धाम से निलंबित कर दिया जाए, जिसकी वजह से आज तक हर्ष भैया के रोग एवं प्रेत बाधा नहीं कट पाई। अब आप सोचिए, परम पूज्य मनु भैया जी ने क्या नहीं किया हर्ष भैया के लिए। बुजुर्गों की माने तो कहा जाता है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, होए निर्धन या फिर कोढ़ी। अब आप सोचिए कि इसे क्या पसंद है। जय शनिदेव। शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब क्या हो तो पूजा चलाओ।